नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। अभी मैं कुछ कलकत्ता स्टाइल की साड़ीज वो लेके आया हूँ। ये देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अलग तरह की आइटम लेके चलूंगा और एक पर्टिकुलर टाइप में पर्टिकुलर आइटम लूंगा। एक सेकेंड, ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर लगा होता है। और ये साड़ियाँ कलकत्ता स्टाइल की हैं, लेकिन खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, 100% मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये भी ये देखिए, ये पूरे बूटे दिखा दिए और इस तरीके से प्रिंटेड इंपोर्टेड फैब्रिक है। ये देखिए, आप थोड़ा दूर से क्लोजअप करो, ऐसे लीजिए, हाफ हाफ में साड़ी बनेंगे। पहले ऐसे देखिए, ये पल्ला हो गया पूरा और ये स्कर्ट में इस तरीके से आएगा, नीचे बूटे आएंगे और पूरे में स्टोन वर्क का काम है। और हमारी रेंज कलकत्ता वालों से बहुत कम है, होलसेल में बिकते हैं। होलसेल में माल कैसे जाता है, देखिए, 1, 2, 3, 4 एक ही डिजाइन के 4-4 सेट, 6-6 सेट, सबके 4-4 सेट इस तरीके से जा रहे हैं। ये पैक होके इस तरीके से पार्सल पैक होके जाते हैं। ये दिखाइए भैया जरा, पार्सल इस तरीके से पैक होके जाते हैं। और एक सेकंड भैया, ये भी दिखाइए, ये जरा यहाँ दिखाइए, एक सेकंड, ये इस तरीके से थान आते हैं, फैब्रिक आते हैं। ये देखिए, ये ऐसे थान आते हैं, थान के थान, ये थान फिर कटिंग होके इन सब के फैब्रिक बनते हैं, सब इस तरीके से होता है। ये मैंने पहले भी दिखाया था इस तरीके से बंडल, ये पूरे के पूरे पैक होके इस तरीके से ये माल बनने जाते हैं। ये थान, ये देखिए, ये थान पड़े हुए पूरे के पूरे थान, ये थान है। और जो मैंने अभी साड़ी पैक हो रही थी, ये इस तरीके से पूरे पार्सल पैक होके बंडल के बंडल जाते हैं। आइटम्स बहुत तरह की बनाते हैं, हमारे खुद का मैन्युफैक्चरिंग का काम है और सब जगह सप्लाई ज्यादा करते हैं। और ये इसका प्लेन ब्लाउज है, ये देखिए, ठीक है, इसके कलर्स ये इसी के खोल थोड़ा सा आइडिया जब भी लगेगा, कलर खोल के दिखा देता हूँ, आइडिया आपको जब भी लगेगा, नहीं तो आइडिया नहीं लग पाएगा। ये देखिए, अब आपको लेना सेट का सेट ही पड़ेगा। पीछे चीकू कॉमन है, पीछे समय चीकू कॉमन है, बस बस पूरा दिया, ठीक है, हटाइए इसको, टाइम आ लेना भैया आपको। ये तीसरा, तीन कलर की मैचिंग है, चलो हटाइए, ठीक है, हटाओ और बोलिए, ये पकड़िए। तो आइटम्स बहुत सारी हैं और अभी मेरा मन, अभी अभी वीडियो दिखाने से पहले ही हाथों हाथ एक मन किया, इन लोगों की बातें सुन के अपने स्टाफ की, कि एक मन की बात जरूर थोड़ी सी करनी चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वो मन की बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात चल रही है, एक्चुअल में मन की बात भी बता दूं, नीचे और ऊपर दोनों साइड पैनल है, बीच में बूटे आएंगे इस तरीके से। टॉपिक भी बता ही देता हूं, जो आजकल के बच्चे आलस इतना करते हैं, खड़े होने में, बैठने में, सब चीज़ों में, उसके विषय में और कोई ख़ास बात नहीं है। और कहते हैं भाई साहब, आजकल का खाना उतना बढ़िया नहीं है, पहले के लोगों का खाना बहुत बढ़िया होता था, खान पान बढ़िया होता था, अरे अब सब मिलावट आ रहा है। ऐसा नहीं है, पहले के लोग आलसी नहीं थे, काम करते थे। उसी विषय में थोड़ी सी बात करेंगे, हटाइए भैया। तो डिजाइंस बहुत सारे हैं और उसी विषय में थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा, आप लास्ट तक प्लीज़ वीडियो जरूर देखिएगा। ये देखिए एक डिज़ाइन और, ये सब कलकत्ता स्टाइल की साड़ियाँ दिखा रहा हूँ जो हम बनाते हैं, यहाँ दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग है। इस तरह के पैटर्न्स सब वेडिंग वियर है, इसमें ब्रासो का पल्ला आएगा, बूटे आएंगे इस तरीके से, ये देखिए। और ये स्कर्ट में इस तरीके से लीजिए, बहुत आगे रखिए, ऐसे लीजिए, टू टोन सिल्क है और इस तरीके से पूरे में बूटे होंगे, स्टोन वर्क का काम हैवी बॉर्डर। अरे ये तो एक ही बहुत है, और वो ले लीजिए, सॉरी, हमारा तो ऑल ओवर इंडिया होलसेल का काम है, सब जगह सप्लाई करते हैं, होलसेलर ज्यादा लगे हुए हैं।
गाउन क्रॉप टॉप भी जिसको भी चाहिए तो उसके भी बहुत डिजाइंस बनाता हूँ मैं। गांधीनगर फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री आ सकते हैं, लेकिन गांधीनगर बस ये है कि आपको सब आइटम सेट वाइज ही लेनी पड़ेंगी। आप पे जीएसटी नंबर होना चाहिए, सिंगल्स किसी में अलाउड नहीं है। ये ऑल ओवर साड़ी है इसी तरह से, बस हटा दीजिए और एक वो दिखा दीजिए वो वाली विचित्र सेल के ऊपर चौथा बॉर्डर है और ये इस तरह से साड़ी। अब हर एक को टेस्ट अलग अलग है, हर एक की चॉइस अलग अलग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी है। अब जैसे हैदराबाद का टेस्ट है, साउथ का टेस्ट है, तो वहाँ पे भी हर एक आदमी का टेस्ट अलग अलग है। कुछों को थोड़ा सा तड़क भड़क चाहिए होता है, शाइनिंग चाहिए होती है, सितारे चाहिए होते हैं, कुछों को बिल्कुल सिंपल सुपर साड़ी चाहिए होती है, किसी को मैटी फिनिश में चाहिए मैटी फिनिश होती है, और किसी को ग्लॉसी फिनिश चाहिए। हटा दीजिए बस, मैटी फिनिश यानी जिसमें शाइनिंग ना हो, डल शाइनिंग ना हो, और ग्लॉसी मतलब शाइनिंग भरा हुआ। तो हर तरह की चॉइस होती है। ये पर्टिकुलर इसलिए मैंने टेस्ट पकड़ के चलना शुरू किया कि आज सारी साड़ीज इसी तरह की दिखाऊंगा, ठीक है। और मन की बात में सिर्फ इतना कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, बस पहले के लोग मेहनती थे, फौरन कुछ भी काम करते रहते थे, बड़ों का डर कह लो, रेस्पेक्ट कह लो, काम करते थे। और आज के सब लोग कितना हो गए आलसी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो खड़े होने में, बैठने में, उठने में, बच्चों को भी आपने देखा, सबके नहीं जरूरत क्या है, क्यों करें इतना काम, आप नहीं कर रहे। तो फिर पहले के लोग 70, 80 साल, 85 साल, 90 साल की उम्र में भी काम कर सकते थे, इतनी दिक्कत नहीं थी, परेशानियां नहीं थी, शरीर से हंस पूस थे। आजकल क्या हो गया, 50-60 के बाद ही ना, 50 तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उससे पहले भी हो जाता है, बीमारियां लग गई, मोटापा बढ़ता जा रहा है। पहले के लोग भी थे लेकिन कम थे, ज्यादा तो लोग मेहनत करते थे शरीर से। और अब क्या हो गया पता चला, वैसे तो भाई साहब रिक्शे के बगैर उतरते नहीं है, आधा एक किलोमीटर दो के लिए भी, 1.5-2 किलोमीटर तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मतलब रिक्शा चाहिए चाहिए भाई, इतनी दूर पैदल कैसे जाऊंगा। और सुबह 5-10 किलोमीटर वॉक करने जाते हैं सुबह शाम, या जिम में वो जो होता है ट्रैक पे, उस पे वहाँ पे भाग रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे चल लो ना पैदल, आपकी सेहत भी बनेगी, सब कुछ सही रहेगा। नहीं, घर में बाकी सबका भी है, मेरे घर में भी है, लेडीज ने कहा घर का काम नहीं पहुँचाना चाहिए सब। और वो पहले की लेडीज तो करती थी तो वो स्लिम रहती थी, ये उन्हीं की नहीं कह रहा, उसके लिए वो काम वो है उन्हें का। लेकिन सुबह हाँ योगा में, जिम में वो टाइम जरूर सब लोग लगाते हैं। ये भी तो एक जिम ही हो गई, एक्सरसाइज हो गई। यही सब बातें बाकी लोगों के साथ भी है, जैसे यहाँ पे स्टाफ की बात जहाँ से शुरू हुई थी, एक्चुअल बात तो यहीं से शुरू हुई थी, तू कर दे तू कर दे तू कर दे। अरे भाई खुद जितना करोगे उतना आप स्लिम रहोगे, उतना फिट रहोगे, और जितना फिट रहोगे एंड टाइम पे ये पता चलता बुढ़ापे में, एज है 70+, 60+, मतलब लोगों को तो जिनको प्रॉब्लम है उनको 50-40 में भी हो जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि आप बिल्कुल फिट हो, ढंग से काम कर पा रहे हो। उससे बढ़िया क्या बात होगी कि आप अपने ज़िंदगी के आखिरी समय तक भी काम करते हो, हाथ पैर सही सलामत हैं, आप कोई भी काम कर पा रहे हो। नहीं तो आजकल आपने देखा होगा कितनी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, शुगर हो रही है, बीपी वगैरह, ये सब क्यों है? आप वर्किंग बहुत कम हो गई, वर्किंग कम हो गई, हम लोग इस तरह के साधन ढूंढते जा रहे हैं कि हमें काम बहुत कम करना पड़े। अरे भाई बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा बहुत काम करो, चलो हिलो फिरो। ये थोड़ी है कि मेरे पास भी स्टाफ है तो मैंने कहा ठीक है अब ये फाइल वहाँ दे आना, अरे खुद भी उठ के जाओ ना, थोड़ा सा काम खुद भी करो, तो इससे क्या हुआ शरीर फिट रहेगा। ये छोटी सी बात एग्जांपल दिया है, लेकिन इसको आप यदि बड़ा करके देखेंगे तो आपके घर में, परिवार में, ऑफिस में, हर जगह आप देखेंगे अपने आप को फिट कर पाएंगे, और काफ़ी सारी हेल्प होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। बस यही मेरी कामना है। मिलते हैं जल्दी कुछ और नई आइटम्स के साथ। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।